आज लाओ त्से की एक सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लाओ त्से कहते हैं, नॉट नोइंग इज ट्रू नॉलेज, नहीं जानना सचमुच का नॉलेज है। क्या है नहीं जानना? सचमुच का जानना, तब तो एक कंफ्यूज्ड आदमी सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। नहीं, कुछ और है ये नॉट नोइंग। पता है क्या है? साइलेंस है ये। जब भी किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप कुछ जानते हैं उसके बारे में, एक टेबल के बारे में, एक पेड़ के बारे में, एक बच्चे के बारे में, कुछ तो जानते ही होंगे, किसी नेता के बारे में, अभी मंदिर के बारे में, निक्रोमी के बारे में, हम सब किसी न किसी चीज़ के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं। जानने का मतलब क्या है? जैसे ही हम उन चीज़ों को देखते हैं, हमारा ब्रेन कड़कड़ 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 आवाज़ करना शुरू कर देता है। जैसे नहीं, अगर कहीं कोई सिग्नल सिस्टम हो, आप कुछ सामान चोरी करके ले जा रहे हो, किसी शॉपिंग मॉल में से बाहर जा रहे हो, तो जैसे ही आप बाहर जाएंगे उसमें से आवाज़ सायरन बजना शुरू हो जाएगी। वो दिखाती है कि आपके जेब में कोई अनवांटेड चीज़ है जो आप चोरी करके ले जा रहे हैं, सायरन बजता है। ऐसे ही आप जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके ब्रेन में से सायरन बजना शुरू हो जाता है। उसी को लाओ त्से कह रहे हैं, नॉट नोइंग इज ट्रू नॉलेज। क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि जब आपका दिमाग शोर मचाता है, खूब अच्छे अच्छे सेंटेंसेस पूछता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, खूब एक्सप्लेनेशंस देता है, बोलता रहता है, तो वो बोलना नोइंग नहीं है, असल में चुप रहना। जब भी आप किसी भी चीज़ को देख करके खाली देख सकें और आप चुप रह सकें अंदर से भी, विचारों में भी, तब जाकर के आप ये जानिए कि आप सचमुच के नॉलेज के पास हैं, तब आप डिवाइन फ्रैगमेंट के पास हैं। हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल या गॉड जो भी है, वो इतना आतुर नहीं होती है अपने ज्ञान को शब्दों में ट्रांसफॉर्म करके बोलते रहने में, वो हमारा माइंड है। दूसरी चीज़ लाओ त्से कहते हैं, प्रेज्यूमिंग टू नो इज़ अ डिजीज़। अगर आपको लगता है किसी चीज़ के बारे में आपको जानते हैं तो ये एक बीमारी है। हम लोगों को ऐसा नहीं लगता, हम लोगों को तो बड़ी गर्व की चीज़ लगती है। जितना कुछ हमारी ज्ञान है, जितना हम लोगों को दिखा सकते हैं, जितना हम सो कॉल्ड हेल्प कर सकते हैं जो कि हम कर नहीं पाते हैं। आप जब अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से, अपने एम्प्लॉई से, अपने कलीग से जब कुछ बातें करते हैं और बातचीत बात होते होते वो बहस बन जाती है, बहस होते होते वो लड़ाई बन जाती है, आप कर क्या रहे हैं? सामने वाले को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच में हेल्प हो रही है? नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम हेल्प करेंगे। ये क्यों है? क्योंकि हमको लगता है कि हम जानते हैं, तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें बता सकता हूँ सही क्या है, मैं तुम्हारे बिहेवियर को ठीक कर सकता हूँ, तो इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। तो जिस किसी को भी ये लगता है कि वो जानता है, कुछ भी जानता हो, वो एक बीमारी है। अपने इस अंदर के थॉट्स को प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी है, इसको समझिए कि ये बीमारी है। उसके बाद कहते हैं, फर्स्ट रियलाइज दैट यू आर सिक। हम लोगों का हाथ पैर जब दर्द करता है तो क्या करते हैं? हम लोग आराम करते हैं। तब भी अगर दर्द करता है तो डॉक्टर के पास जाकर के हम इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं। बहुत तेज़ दर्द होता है तो हम लोग प्लास्टर, अगर हड्डी टूट गई तो प्लास्टर लगवाते हैं, कुछ इंतज़ाम करते हैं ताकि दर्द ख़त्म हो। लेकिन ऐसी कोई दर्द की फीलिंग, बीमारी की फीलिंग हमको नहीं आती विचारों की वजह से। जब भी हमारे मन में कोई भी थॉट चलता है, मैंने अपने बच्चे को देखा, उसके इम्तिहान में नंबर कम थे, या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, या उसने कुछ ऐसी बातें कह दी कर दी जो नहीं करना चाहिए, तो खट से हमारे ब्रेन में बातें चलना शुरू हो जाती हैं, शोर मचना शुरू हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए। ये जो बातें चलती हैं, शोर मचता है, ये एक बीमारी है। जैसे ही आप इस बीमारी को एक बीमारी की तरह देखेंगे, आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और बात करते 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 बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई पता ही नहीं है, तो ये क्या है? ये एक बीमारी है। जब आप पहली बार इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपके ब्रेन में जो भी थॉट्स चलते हैं वो एक बीमारी है, तब आप सेहत की तरफ पहुँचेंगे। फिजिकल बॉडी में सबसे ख़तरनाक बीमारी बताएं कौन सी होती है? वो बीमारियाँ जो हमको सेंसेशन गायब कर देती हैं। बहुत सी बीमारियाँ हैं जो हमको ख़त्म कर देती हैं ये मालूम करने में कि हमारा हाथ है भी या नहीं है। डायबिटिक फुट होता है, या लेप्रेसी होती है, ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपको सेंसेशंस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं।
पैर में एक बड़ा सा घाव है लेकिन पता ही नहीं चलता घाव, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा पैर धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है। यही काम हमारा थॉट्स कर रहा है। थॉट्स चल रहे हैं, ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन चल रहे हैं। बल्कि हमको फील करा रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी, हम समझदार हैं, हम सही चीज़ सोच रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको पहली बार इस चीज़ का एहसास होगा कि अरे थॉट्स तो ठीक है आ रहे हैं लेकिन मैं जानता कुछ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, उसको देख करके मुझे लगता है उसको पढ़ना चाहिए, उसको अच्छे नंबर लाना चाहिए, उसको ये इस अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, उसको वो सब कुछ करना चाहिए जो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन इससे मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ उस बच्चे के बारे में या लाइफ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। जब आपको पहली बार एहसास होता है तब आपका ब्रेन शांत होने का वैल्यू समझ पाता है, क्योंकि वो सचमुच में जानना चाहता है ना अपने बच्चे को, अपने आसपास की दुनिया को। सचमुच में जानने के लिए आपके माइंड को एकदम साइलेंट मिरर बनना पड़ेगा। आप जानना चाहते हैं ना, अपने बच्चे को जानना चाहते हैं, अपनी वाइफ को जानना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को जानना चाहते हैं। तो खुद के बारे में क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं, जो भी चीज़ें जानते हैं उसको चुप कर दीजिए, चुप हो जाइए, क्योंकि वो सारी बातें केवल शोर हैं, वो सारी बातें केवल डिस्ट्रैक्शंस हैं। जो भी शब्द आपके मन में आ रहा है, किसी भी किताब में से कोई भी कोटेशन निकल के आ रहा है, वो सब का सब केवल शब्द है। बस चुपचाप अगर आप देख सकें आसपास की दुनिया को, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी ज़रा सा बोले। इसे ऐसे इंसानों को पुराने ज़माने में मुनि कहा जाता था, जो चुप रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने बोला तो मेरे ब्रेन की, मेरे माइंड की बीमारी बढ़ती जाएगी। बीमारी को ठीक करने के लिए हम सारे इंतजाम करते हैं नहीं, शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, कोई सांस की बीमारी हो, उसके लिए हम दवाइयाँ और वैक्सीन्स खोजते हैं। लेकिन हम अपने थॉट रूपी बीमारी के बारे में, इन्हीं विचारों से तो हमको ये फीलिंग आती है कि हम जानते हैं, और जब हम जानते हैं, ये माइंड जानता है, तब ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसके अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं होती। वो जो पैशन चाहिए होता है ना, एक स्टेट ऑफ वैक्यूम चाहिए होता है, एकदम पेशेंस स्टेट, जिसमें कि नेचर अपने आप को उजागर कर सके हमारे अंदर में, डिवाइन फ्रैगमेंट हमारे अंदर में वास कर सके। वो होता नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट पे हमारा माइंड कुछ न कुछ जानता है, 24 घंटे कुछ न कुछ जानता है, वो कभी चुप रहना जानता ही नहीं है। लास्ट में मास्टर ये कहते हैं कि जब तुम ये एहसास कर लोगे कि तुम्हारे थॉट्स एक बीमारी हैं, तब तुम हेल्थ की तरफ खिसकोगे, तब तुम मूव करोगे। हमको सोचना नहीं है अपने साइलेंस की तरफ जाने के लिए, बस चुप रहना है, और उसी चुप रहने में हम स्लिप होते जाएंगे। जैसे कोई चीज़ को हमने पकड़ रखा हो कस के, और जैसे उसको छोड़ेंगे तो करके पीछे की तरफ स्लिप हो जाएंगे। हमारा अपना कॉन्शियसनेस जब विचारों को सोचता है तो वो विचारों को या फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को पकड़ के रखता है अपने माइंड के थ्रू, और जैसे ही उसको वो छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, जब उसको दिखाई देगा कि ये थॉट कि मेरी बीवी को ये नहीं करना चाहिए, या मेरे भाई बहन को बचपन में मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए, या मेरे ऑफिस में मेरे बॉस को ये नहीं करना चाहिए, या लाइफ को मेरे प्रियजन की लाइफ नहीं लेनी चाहिए, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, कहीं बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये कोरोना नहीं होना चाहिए, इस दुनिया में ये चीज़ें होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जब ये सारी बातें को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस बातों से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो केवल शोर है, तकलीफ़ है, दर्द है, तो उस समय जैसे आप छोड़ेंगे आपका कॉन्शियसनेस चुपचाप स्लिप होता जाएगा, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, स्लिप हो रहा है, लेकिन अचानक से एक रस्सी पकड़ लिया आपने। कौन सी? अरे क्या हुआ, पड़ोसी को क्या हुआ? अरे सचमुच में बिजली चली गई उसकी? अरे क्या उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? अरे ये नहीं होना चाहिए। 3-4-5 सेंटेंस में आपके मन में एक सेंटेंस आया, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको पकड़ करके आपको लगता है कि ऐसा ही होना या नहीं होना चाहिए। वो चाहिए शब्द क्या है? एक धोखा है, एक बीमारी है। जब भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में, इसलिए मास्टर्स कहते हैं इस दुनिया में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं, जो जैसे है वैसे है, के सरा सरा, बस उसको देखिए और अपने विचारों से पकड़िए मत, और आप स्लिप होते जाएंगे अपने सेल्फ की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ, अपने स्वयं की तरफ, अपने गॉड की तरफ। जहाँ कहीं किसी भी थॉट को पकड़ा, किसी भी सेंसेशन को पकड़ा,
उसको पकड़ करके बुनना शुरू कर दिया। नहीं, स्वेटर बुनते हैं ऊन से, ऐसे हम विचारों से बातें बुनते हैं। जब बुनना शुरू किया वहाँ पर आप बीमारी में फंसे। बीमारी ऐसे ही होती है, एक एक कीड़े से दूसरा कीड़ा, फिर तीसरा कीड़ा, फिर तीसरा माइक्रोब इकट्ठे हो जाते हैं, एक माहौल मिलता है उनको। ऐसे ही एक विचार से दूसरा विचार, तीसरा विचार, हमको एहसास भी नहीं होता है कि हम विचारों के जंगल को बना रहे हैं, एक एक गुच्छा बना रहे हैं, मधुमक्खी का गुच्छा बना रहे हैं। इस मधुमक्खी के गुच्छे को ख़त्म करना कैसे करना होगा, इस थॉट को देखिए और चुपचाप देखते रहिए। कुछ देर में वो थॉट शांत हो जाएगा, फिर नया थॉट आएगा, उसको देख करके शांत हो जाइए। देखिए बीमारी है, बस देखिए, लड़ाई मत करिए, बस जान जाइए कि बीमारी है। जैसे हम बदबू से जान जाते हैं कि बदबू है, उधर नहीं जाना है, उस कपड़े को नहीं पहनना है, उस खाने को नहीं खाना है, उस आदमी को नहीं छूना है, ऐसे ही अपने विचारों को देखिए दूर से और बोलिए ना ना ना, मुझे उसको नहीं सोचना है। और तब आप अचानक से आपका माइंड साइलेंस को महसूस करना शुरू कर देगा, उसकी वैल्यू करना शुरू कर देगा, और वही स्टेट है स्वास्थ्य की स्टेट। यही लाउद से आपको बताना चाहते हैं। बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं हम लोग जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स में, सारी की सारी स्पिरिचुअल चीज़ों को, थियरी भी और एडवांस प्रैक्टिसेस भी। और भी कोर्सेज हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए है।